वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग बहुत ही बढ़िया कैमरे की जो आप लोग यूज़ करते हैं डेली यूसेज के लिए। तो इसे कहते हैं पेंटेल 10 जूम कैमरा। ये कैमरा होता है ऑप्टिकल जूम के साथ और ये आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं स्टेशन पोजिशन पर। तो देखिए ये मैंने मंगाया है, कूरियर किया है टेककार्ट कंपनी से। मैं आपको उसको भी इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा, मतलब लाइट है, आई थिंक 2.5 किलो का या 2 किलो के आसपास का इसका वेट होगा। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब में पेंटेल जूम कैमरे की, जो मैं अभी देख रहा था। इसमें क्या है ना कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं वो ऑलरेडी सेटअप करा हुआ होता है। कैमरे का क्या आउटपुट रहेगा, कैमरा किस तरह परफॉर्म करता है, इसके 10 प्रीसेट ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और बेस्ट पार्ट कि रियल लाइफ में इसको हम यूज़ करते हैं अगर, तो उससे क्लैरिटी क्या रहती है विद एंड विदाउट जूम। तो ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले इसको चलिए अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है फुल HD PTZ कैमरा वर्जन 1.0। ये मैनुअल है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रिपोर्ट वगैरह के बारे में, जो कि आप पढ़ सकते हैं इजीली। अब देखते हैं अंदर क्या है इसके। तो ये है हमारा कैमरा, ये साथ में एसेसरीज वगैरह हैं इसको कनेक्शन के लिए। देखिए आप, सॉकेट, ये आपका कनेक्टर है, ये सब देख पा रहे हैं। ये इसका रिमोट है, ये अडाप्टर है इसका 2 एम्पेयर का। ओके, सेल भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ड्यूरा सेल के सेल इसमें कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं। नाउ ये है आपका बेस्ट पार्ट, जो कि है फुली ऑपरेशनल PTZ कैमरा। इसको मैं थोड़ा खोल देता हूँ। तो इस तरह से कैमरा होता है, ये इसका कैप है, ऐसे खुल जाता है। तो ये पूरा कैमरा है जैसे आप देख पा रहे हैं, ये टेककार्ट कंपनी का कैमरा है जो कि पूरा ही मूव करेगा और अप डाउन कर सकता है इस तरीके से। ये माउंट करने के लिए सीलिंग किट पे इसे माउंट करते हैं। ये सेंसर है, ये सारे पोर्ट हैं जो आपने देखे हैं। ये RS485 पोर्ट, ये आपका एडाप्टर USB कनेक्शन। तो आइए इसको कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से और देखते हैं इसके फाइनल आउटपुट को। सो गाइस, इसमें सेटअप कर दिया है पूरा कैमरे का। तो देख रहे हैं ये कैमरा जो यहाँ पे है ये रखा है। इसमें हमें जो एसेसरीज मिली थी जिसमें कि एक USB केबल थी इस तरीके की, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया लैपटॉप से। इसका इनपुट तो एक होता है बट आउटपुट में 2 उसके सॉकेट होते हैं, एक होता लगता है पावर रिले के लिए, एक नॉर्मल लैपटॉप पे। साथ में इसके एसेसरीज मिलती है जो कि आप देख रहे हैं इस तरह की होती है। बेसिकली ये मल्टीपर्पज़, अगर आपको माउंट करना है इसको सीलिंग पे तो उसके लिए डिफरेंट इनपुट आउटपुट के लिए होती है। ये आपको जैसे देख रहे हैं VGA आउटपुट है, तो अगर प्रोजेक्टर वगैरह या आपके जो पहले लैपटॉप था उसमें लगाना है तो बेसिकली इनपुट आउटपुट है, डिपेंडिंग अपॉन डिवाइस आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आजकल लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप के साथ ये है ना। इस केस में से पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप प्रोजेक्टर पे माउंट कर रहे हैं तो उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी इस पावर की। ये देखिए जो कि यहाँ पे लगता है DC 12 वोल्ट पे इधर पे।
क्योंकि मैंने ऑलरेडी पावर लगा दिया है तो इसकी ज़रूरत अभी फिलहाल नहीं है। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ उसका आउटपुट, ये देखिए ये कितना क्लियर व्यू है इसका। और उससे पहले एक चीज़ और है, ये आपका रिमोट जो आपको दिख रहा है वो फीचर इसका, ये जूम आउट जूम इन करने के लिए, ये आपको कैमरा मूवमेंट के लिए। तो मैं इसे प्रेस करता हूँ तो सब देख रहे हैं, मैं डाउन प्रेस कर रहा हूँ डाउन दिखा रहा है, अप कर रहा हूँ अप दिखा रहा है। ये मेरा कैट बैठा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको जूम करता हूँ जस्ट फॉर अ डेमो। ये देखिए, तो मेरे को ये ऊपर क्लिक करना पड़ेगा जूम करने के लिए, सॉरी मूवमेंट के लिए, और ये जूम के लिए प्लस आइकन ये जो बना हुआ है। तो मैं देखिए जूम कर रहा हूँ उस पर और अप करता हूँ उसको, थोड़ा टाइम लेता है फोकस करने में, बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस कर ले रहा है। देखिए आप बहुत क्लियर आ रही है, अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें, मैंने इसे बहुत ही क्लियर कट शूट किया। देखिए इसके बिल्ले के बाल दिखाई दे रहे हैं, तो इतना क्लियर रिजोल्यूशन है इसका इस तरीके से। नाउ बात करें अगर मूवमेंट की, इसमें होम बटन होता है, अगर आप होम बटन दबाएंगे इस तरीके से तो ये ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन है उसको ले लेगा। ये देखिए ठीक है, आप कैमरे को पूरा मूव कर सकते हैं, मैं ऐसे मूव करता हूँ कम्प्लीटली। ये देखिए इस तरीके से, तो मुझे दिखाएगा आगे, ये देखिए, तो ये मेरे को फोकस कर रहा है फिलहाल कैमरा। तो ये 360 कर सकता है, बट यहाँ पे लिमिटेशन है, इसके आगे नहीं जाता है, तो उसके लिए आपको दोबारा से इसको बैक करना पड़ेगा, उसके बाद ये मूव करता है। ये देखिए फिर ये पूरा 360 डिग्री व्यू लेके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए फिर से आ गया, अगेन आप होम बटन प्रेस करेंगे तो नॉर्मल अपनी पोजिशन पर आ जाता है इस तरीके से। बहुत ही इजी टू यूज़ है ना। उसमें प्री फंक्शनल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कैमरे का एंगल सेट कर लिया, वन दबाएंगे तो वो एंगल दिखेगा, सेकंड पे सेकंड एंगल, थर्ड पे थर्ड एंगल। तो बहुत सारे फीचर इस कैमरे में रहते हैं। फोकस का ऑप्शन आता है, मैनुअल फोकस और ऑटोमेटिक फोकस। ना इसमें क्या होता है, आप मान लीजिए क्लास ले रहे हैं, अगर आपको ऑटोमेटिक फोकस करना है ऑटो पे क्लिक कर सकते हैं, मैनुअली करना है अगर कोई पर्टिकुलर पिक्चर पे फोकस करना है वो भी कर सकते हैं। सेकंड मैं इसको टेस्ट करता हूँ एक और मोड से, तो अगर मैं इसको पास में, अगर दूर का आपने देख लिया, अगर पास का देखा जाए तो देखता हूँ मैं अगर करता ही करता है फोकस, थोड़ा टाइम लग रहा है फोकस करने में, देख कर लिया इसने फोकस। सो फाइनली ये अल्ट्रा वाइड कैमरा भी कह सकते हैं उसको, माइक्रो कैमरा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत क्लियर कट दिखता है। अगर आपको कुछ इस पर टेक्स्ट बच्चों को पढ़ाना हो, टेक्स वगैरह, बहुत क्लियर कट दिखेगा उसमें। और जैसे हटता है तो ऑटोमेटिकली फोकस करने में टाइम लगता है, बट ये फोकस कर लेता है इस तरीके से। तो अल्टीमेटली बहुत ही सही कैमरा है, आई मीन इसका जूम बहुत ही क्लियर है, 3x जूम है, जैसे आईफोन में 3x होता है बिल्कुल वैसा ही है, दूर की इमेज दिख सकती है। और अगर आपका मान लीजिए 25 से 30 फीट का लंबा और 15-20 फीट का चौड़ा आपका अगर रूम है या कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें परफेक्ट काम करता है। अगर उससे बड़ा है, 25 से बड़ा है, तो इसका एक और मॉडल आता है, उसमें आप बेसिकली 3010 मॉडल है, तो उसमें आप इसको 20x तक जूम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर हैं, बट प्रैक्टिकलिटी के लिए इतना कैमरे का ऑप्शन बहुत सफिशिएंट है। और अगर मैं बात करूं उसकी कैमरे की रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग में प्रॉपर आवाज़ आती है, ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं आ रही है इसमें, तो इस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग में आवाज़ आ जाएगी। सो आई थिंक वर्थ इट है इसको परचेज करना, बहुत ही क्लियर कट इसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है। और ये कैमरे का देखिए, कैमरा भी ऑटोमेटिकली रिजोल्यूशन पर चला जाता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये डन है, इसको आप परचेज कर सकते हैं और इजीली ये आपको मिल जाएगा टेक्कार्ट वाली वेबसाइट पर, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग द चैनल। अगर कोई भी क्वेश्चन कमेंट हो इन टर्म्स ऑफ इनपुट आउटपुट और कुछ क्लैरिटी में टेस्ट करने बाहर करके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट पर रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।